हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास यार एक कमेंट आया था कि मोहिनी नाम का, कि मैं उनके नाम की एक हेयर क्लिप बनाऊं। पहली बार तो मेरे पास कभी कोई कमेंट नहीं आता, पहली बार कोई कमेंट आया था, और उनकी ख्वाहिश पूरी ना की जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो चलिए फिर हम एक हेयर क्लिप बनाते हैं मोहिनी नाम से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी हेयर क्लिप ली है, और हेयर क्लिप के अकॉर्डिंग, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने एक थिन कार्बो शीट कट कर लिया था। फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने यहाँ पे दो ग्लिटर फॉर्म वाले ये कट कर लिए हैं। और जो भी आपको अपना नाम लिखना है, जो भी पैटर्न है, वो आप उसको फेविकॉल से ड्रॉ किए और उसके ऊपर ये स्टोन लगा दीजिए। ये वाइट वाले स्टोन आते हैं, हाफ वाले, वही लगाइएगा आप, सिल्वर वाले, सॉरी। तो हमें यहाँ मोहिनी लिखना था, तो हम मोहिनी का एम बनाएंगे और 1x1 करके कुछ इस तरीके से हम उसको ग्लू के ऊपर लगाते जाएंगे। यहाँ मैंने फेविकॉल का यूज़ किया, आप चाहें तो ग्लू गन किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक हम ये कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं जहाँ तक होता है सबकी कोशिश करती हूँ कि सबका कमेंट पूरा करूँ। एक मिनट रुको बेटा, और ये देखिए हमारा मोहिनी नाम का ये पैटर्न रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं। फिर हमने सेकंड वाले को हल्का सा कट किया था, और जो हमारी हेयर क्लिप है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और जो ग्लिटर वाला शीट है हम उसको बैक साइड रखेंगे और फोम वाला अंदर की साइड रखेंगे। फिर इसके चारों कॉर्नर पे हम ग्लू लगाएंगे, अच्छे से ग्लू लगाइएगा। और ग्लू लगाने के बाद हम जो हमारा वो सेकंड वाला था जिस पर हमने नाम लिखा था, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। सिंपल सा प्रोसीजर है। ये देखिए मैंने ग्लू लगा लिया है, और ग्लू लगाने के बाद देखिए हम ये वाला इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, और ये देखिए कितनी प्यारी हेयर क्लिप लग रही है। ये देखिए कितनी क्यूट और कितनी प्यारी हेयर क्लिप है। ये देखिए, इस हेयर क्लिप को मैंने अपने बेबी के ऊपर ट्राई किया था। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।